हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मौलिक जालावड़ी आप सभी का वेलकम करता हूँ। टुडे इन दिस लेक्चर चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, जिनमें दो इलेस्ट्रेशंस हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 3.4 एंड एग्जाम्पल नंबर 3.5 है, और दो एक्सरसाइज हम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल 3.4 है। क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक में देखो आप, तो आपको लिख के दिया है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। आपको एक कंडक्टिविटी सेल दिया है जिनमें हमने 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन फिल किया और रेजिस्टेंस निकाला, कितना मिला 100 ओम। अभी वही कंडक्टिविटी सेल में हमने 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन फिल किया, तब रेजिस्टेंस कितना मिला 520 ओम। आगे पढ़ो। फाइंड आउट या कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, और लास्ट पॉइंट में दिया है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। चलिए एग्जाम्पल को स्टार्ट करें। तो देखो, दोनों सॉल्यूशन को हमने एक ही कंडक्टिविटी सेल में डाल के रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, यानी दोनों के लिए जो जी स्टार होता है, व्हाट इज जी स्टार, तो जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट। तो दोनों सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट होगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले ही हम यहाँ पे जी स्टार कैलकुलेट करें, तो जी स्टार का फॉर्मूला है आर इंटू के। व्हाट इज आर, आर इज रेजिस्टेंस 100 ओम और कंडक्टिविटी 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 129। देखो ये ओम है और सीमेंस की जगह पे हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखो सीमेंस क्या है, कंडक्टेंस का यूनिट, क्लियर, और ओम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट। और हम कंडक्टेंस किसे कहते, तो जी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ऊपर आया तो क्या हुआ, ओम इनवर्स। तो हम सीमेंस की जगह पे क्या लिख सकते, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां सीमेंस की जगह पे ओम इनवर्स लिख दू, तो देखो ओम और ओम इनवर्स कट गया, तो बाकी बचा मीटर इनवर्स। ये हुआ जी स्टार, मीटर में मैंने निकाला। चलो अगर मुझे सेंटीमीटर में निकालना है तो यहां पे सिंपल कैलकुलेशन होगी 129 मीटर इनवर्स, जिनको मैं नीचे ले जाऊं तो मीटर, अभी 1 मीटर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे लिख दिया 100 सेंटीमीटर। चलो अभी इनका आंसर 1.29 ऊपर आ गया, तो सेंटीमीटर इनवर्स हुआ, क्लियर। तो मैंने जी स्टार आपको दोनों यूनिट में दिखा दिया। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेट कंडक्टिविटी। तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जी स्टार इक्वल्स टू आर के, बट हमें कंडक्टिविटी चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी के इक्वल्स टू जी स्टार अपॉन आर, आर डिवाइड में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी स्टार, तो एक बार हम मीटर इनवर्स ले लेते हैं। चलो तो यहां पे मैंने लिया 129 मीटर इनवर्स अपॉन आर, आर यानी रेजिस्टेंस। चलो इनको डिवाइड कर लो,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आएगा 0.248 यूनिट। देखो ओम ऊपर आया तो ओम इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस, और ये मीटर इनवर्स। तो ये फर्स्ट आंसर हुआ, क्लियर। सेम आप यही फॉर्मूला से वैल्यू देखो और करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको, ऐसे भी लिख सकते हो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 520 ओम। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पे मिलेगा 0.00248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये दोनों हो गए कंडक्टिविटी, दोनों यूनिट में निकाले, क्लियर। अभी हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो चलो यहां पे ये कंडक्टिविटी था, अभी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इन 2000 अपॉन सी। कप्पा यहां पे पहले मीटर इनवर्स में ले लेते हैं, 0.248 इंटू 1000 अपॉन सी, सी यानी कंसंट्रेशन। चलो इनको सॉल्व आउट करिए। तो इनका आंसर आएगा स्टूडेंट 1240, यूनिट इनका होगा सीमेंस, ये मीटर है तो यहां पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर। अभी मुझे यहां पे सेकेंड सेंटीमीटर से कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे लिख दो ये वाले वैल्यू इंटू 1000 अपॉन 0.02 तो स्टूडेंट्स यहां पे मिलेगा 124 यूनिट रहेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 3.4। वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर हम 3.5 देखते हैं। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 3.5, तो जिनमें आपको एक क्वेश्चन दिया है कि NaOH का सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर और जो कंडक्टिविटी सेल में डाला है वो कंडक्टिविटी सेल के जो इलेक्ट्रोड से उनका डायमीटर दिया है और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस दिया है और रेजिस्टेंस भी बता दिया है, और हमें निकालना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो फर्स्ट रेजिस्टिविटी रो, तो हम जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने रेजिस्टिविटी रो डाल दिया। मुझे यहां पे रो निकालना है तो रो को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो आर ए बाई एल। आर इज अ गिवन, एल ऑल्सो गिवन, ए नहीं है, तो हम पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी डायमीटर का हाफ, तो लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका होगा 0.785, यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं पूरा एग्जाम्पल आपको सेंटीमीटर यूनिट में करवा रहा हूं, सेम एज आप यहां पे यूनिट चेंज करके मीटर कर लेना और सेम कैलकुलेट करना, क्लियर। चलो सारी वैल्यूज है, आर ओम एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ 50 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का एक पावर कट, बाकी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा 0.087135 × 10³। तो मैं 10³ से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 87.13 यूनिट ओम इंटू सेंटीमीटर। ये हुआ फर्स्ट आंसर रेजिस्टिविटी। चलो सेकेंड, सेकेंड मुझे क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, सो के इक्वल्स टू 1/ρ, 1/ρ। ओम इंटू सेंटीमीटर। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, तो स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा आपको 0.01148 यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और मैंने आपको बताया ओम इनवर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो मैं दूसरी बार यहाँ पे लिख रहा हूँ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये हुआ पप्पा कंडक्टिविटी। लास्ट और थर्ड, मूलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के इंटू 1000/c। के हमने निकाला यहां पे 1000/c, सी यानी कंसेंट्रेशन। कर दो सॉल्यूशन। तो आंसर होगा 229.54 यूनिट इसका रहेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये मैंने आपको सेंटीमीटर के यूनिट्स में सारी चीज निकाली दे दी। अभी आपको सेम होमवर्क में मीटर के लिए करना है। तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 मीटर। तो यहाँ पे आपको 0.01 मीटर लेना है और यहाँ पे इंटू करना है 0.01। सेम कैलकुलेशन, क्लियर लिख लो, फिर मैं एक्सरसाइज के 2 सम करवा देता हूं। चलो अभी एक्सरसाइज निकालो। एक्सरसाइज में पहला तो 3.8 क्वेश्चन को पढ़ो। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन इज गिवन। आगे पढ़ो, कंडक्टिविटी दिया है के 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कैलकुलेट। तो देखो सिंपल, 1 फॉर्मूला बी इस क्वेश्चन है, लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000/c। के का वैल्यू डाल दो, 1000/c का वैल्यू डाल दो, कैलकुलेट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहां पे आंसर मिलेगा 124। लैम्डा एम का यूनिट क्या रहता है, सेंटीमीटर है, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया 3.8। फिर देखो एक्सरसाइज 3.9। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस दिया है यानी R। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपको निकालना है जी स्टार सेल कांस्टेंट। और आपको लास्ट में दिया है इफ कंडक्टिविटी के पॉइंट 146 इंटू 10^2
-3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देखो सिंपल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट जी स्टार इक्वल्स टू आर इंटू के, आर इंटू के मल्टीप्लाई टू वन नाइन इंटू 10^-3। देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस की जगह पे ओम इनवर्स, तो ये ओम और ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये कट गया तो फाइनल आंसर में लिख सकता हूं ऐसे 2.19 × 10^-1 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, लिख लो दोनों एग्जाम्पल।